हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ कैस्टर ऑयल का बेनिफिट्स। कैस्टर ऑयल मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन हमेशा वही यूज़ कीजिए जो केमिकल फ्री हो, प्रिजर्वेटिव फ्री हो। तो चलिए, क्या क्या बेनिफिट्स है हम लोग देख लेते हैं कैस्टर ऑयल का। और ये लोग, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखिए। ये मेरा वैलेंटाइन डे डे लुक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बेनिफिट, ये जिनका भी ड्राई स्किन है, जो फट जाता है ठंड में भी, गर्मी में भी ड्राइनेस एक रहता है, ठंड में तो बहुत हो जाता है। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे, कैस्टर ऑयल को, उसके बाद मतलब नहाने के पहले आप इसको अच्छे से मसाज कीजिए फेस पे। उसके बाद ल्यूक वार्म वाटर मतलब गुनगुने पानी से वॉश कर लीजिए। फिर देखिए, आपका स्किन धीरे धीरे ड्राइनेस चला जाएगा, एक मॉइस्चराइज सा लुक आएगा आपके फेस पे, और हमेशा मॉइस्चराइज रहेगा। ज़रूर डेली बेसिस पे आप यूज़ कीजिए कैस्टर ऑयल को अपने फेस पे, और देखिए कितना मतलब मॉइस्चराइज रहता है, फटेगा नहीं, एकदम मतलब आराम लगेगा आपके। सेकंड बेनिफिट है, जिनका आईलैशेस गिरता है मतलब फॉल होता है, या मतलब उतना ग्रो नहीं करता आईलैश, तो आप कैस्टर ऑयल को एक स्पूली में लेके आपने आईलैश पे लगा के, रात को, दिन में नहीं, रात को लगा लीजिए, लगा के सो जाइए। ये अगर आप डेली बेसिस पे यूज़ करेंगे रेगुलरली, फिर देखिए आप खुद ही देख पाएंगे आपका आईलैशेस कितना ग्रो करता है, और वो जो गिरना बंद हो जाएगा आईलैश। और दिन में लगाएंगे तो क्या होगा, आप अगर निकलेंगे तो डस्ट को पकड़ेगा, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए आप रात को यूज़ कीजिए, यू लगा के सो जाइए और सुबह उठ के धो। थर्ड है, अगर आप कैस्टर ऑयल से अपने फेस पे रेगुलर बेसिस पे मसाज करते हैं, तो आपके एजिंग भी कंट्रोल करता है ये। मतलब एक होता है ना, मतलब जल्दी से हम लोग मतलब स्किन एकदम झूल जाता है, टाइटन अप नहीं रहता, फर्म नहीं रहता। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे, आपका स्किन हमेशा टाइट रहेगा, झुर्रियाँ इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी, और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, ग्लोई सा लुक आएगा आपके फेस पे। इसको ज़रूर यूज़। नंबर है, मतलब वो जो है ना, जिनका एक्ने प्रॉब्लम हम सबके फेस में भी है, आप मेरे फेस में भी देख सकती हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे स्पॉट्स हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम भी चला जाता है। इसमें ऐसे मैंने एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे एक्ने पिंपल को दूर करने के लिए भी हेल्प करता है। हाँ, आप लोग सोचेंगे कि ये तो एक ऑयल है और ऑयल से तो हमारा एक्ने पिंपल होता है, लेकिन नहीं, ये ऑयल में ऐसे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे पिंपल्स को, स्पॉट्स को, लॉन्ग रन में अगर आप यूज़ करेंगे, स्पॉट्स भी रिड्यूस होगा। मतलब बहुत अच्छा है ये, बहुत बेनिफिशियल चीज़ है, ज़रूर यूज़ कीजिए आप। फाइव नंबर बेनिफिट है कि अगर आप इसको यूज़ करते हैं स्किन पे, एक नेचुरल सा ग्लो रहेगा आपके फेस पे हमेशा। आपको इसके लिए कुछ भी बाहर का क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको यूज़ करेंगे, ये मतलब एक नेचुरल लुक में ग्लो आता है ना, जो हमारे फेस में अभी मतलब ऐसे पल्यूशन में, ऐसे खाने पीने से चला जाता है ये ग्लो, मतलब पौष्टिक आहार पीने से जो होता है, वही आप अगर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे और साथ में पौष्टिक आहार भी आप लेंगे, तो आपके स्किन पे एक ग्लो रहेगा हमेशा, नेचुरल ग्लो। तो आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप नेचुरली मतलब बाहर निकल सकते हैं, मतलब एकदम क्लियर स्किन रहेगा, ग्लोई स्किन रहेगा। ज़रूर ट्राई कीजिए आप। सिक्स नंबर है, जिनका आईब्रोज इतना पतला होता है, थिक नहीं होता है, उनको बहुत प्रॉब्लम होता है, उनको आईब्रो पेंसिल से आर्ट ड्रॉ करना पड़ता है अपने आईब्रोज को, वो अगर मतलब कैस्टर ऑयल को यूज़ करेंगे रेगुलर बेसिस पे, कुछ नहीं, थोड़ा सा मतलब एक स्पूली लेके थोड़ा सा ऑयल निकाल के रात को लगा के सो जाइए, फिर
फिर इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ कीजिए। जिन जिन जगह पे आपका वो फॉल हो रहा है, आईब्रोज ग्रो नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी देखिएगा आप, मतलब थोड़ी दिन के बाद वहाँ पे भी ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको ज़रूर यूज़ कीजिए, ये आईब्रोज के लिए भी बहुत अच्छा है, एकदम अच्छे से ग्रो करता है आईब्रो। और जैसे शेप में आपको चाहिए ठीक वैसे शेप में ही आप आईब्रोज पे ये अप्लाई कीजिए, तो देखिएगा आप जैसे शेप में अप्लाई करेंगे वैसे ही शेप में ये ग्रो करेगा। ज़रूर यूज़ कीजिए, यह बहुत ही अच्छा है। ये लड़कों के लिए है जिनका मतलब बियर्ड है, उनका मतलब होता है ना डार्क, मतलब ठीक एक बियर्ड नहीं होता है, एकदम लाइटन लाइटन होता है, देखने में भी अच्छा नहीं लगता। वो लोग अगर कैस्टर ऑयल को यूज़ करेंगे अपने बियर्ड में, दाढ़ी में रेगुलर बेसिस पे, वो उनको भी एक थिक दाढ़ी बियर्ड मिलेगा, एक ब्लैकिश कलर, ब्लैक का एक क्या बोलते हैं, फाइन सा एक लुक आएगा। आप मतलब मेंस लोग ज़रूर यूज़ कीजिए इसको अपने बियर्ड में, और बाकी सब भी आप यूज़ कर सकते हैं मेंस लोग, ये सबके लिए है, वुमेन मैन गर्ल्स सबके लिए है, यूज़ कीजिए, और गर्ल्स लोग भी यूज़ कर सकते हैं। सो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। या गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इस ऑयल को ज़रूर यूज़ कीजिए अपने ऑयलिंग रूटीन पे, इसको ज़रूर रखिए। ओके बाय बाय।